विधानसभा चुनाव के पहले दो चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। वैसे तो प्रदेश भर में मात्र 1.5% जाट हैं, लेकिन कुछ सीटों पर उनकी जनसंख्या 18% तक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 113 सीटों में से 25 पर जाट प्रभाव माना जाता है। जाटों का चौधरी चरण सिंह से जुड़ाव रहा है और फलस्वरूप उनके पोते जयंत चौधरी के प्रति भी सद्भावना है, लेकिन जमीनी स्तर पर जाटों के चुनावी रुझान कुछ मिश्रित हैं। एक ओर कुछ जाट हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन अच्छा नहीं लग रहा और दंगों की कुस्मृतियों के कारण उन्हें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं है, इसलिए वे भाजपा को मत दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी जाट हैं जिन्हें भाजपा से इतनी नाराजगी है कि वे किसी भी विकल्प को मत दे सकते हैं और ऐसे में रालोद उनकी पसंद है। हालांकि भाजपा से नाराजगी का कारण वे महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशुओं की समस्या, गन्ना भुगतान में देरी, बिजली शुल्क आदि बताते हैं और किसान आंदोलन उनके प्राथमिक कारणों में से एक नहीं है। रालोद से संबंधित कुछ तथ्य जान लेना भी आवश्यक है। इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 सीटों पर जीत के साथ 2002 विधानसभा चुनाव में रहा था, जब उसने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। 2012 में वह 8 सीटें जीत सकी थी और 2017 में मात्र एक। वहीं 2019 की मोदी लहर में जयंत चौधरी बागपत में और उनके पिता अजीत सिंह मुजफ्फरनगर में भाजपा प्रत्याशियों से हार गए थे। जयंत चौधरी सिर्फ एक बार चुनाव जीते हैं, 2009 में मथुरा से लोकसभा चुनाव, जब वे भाजपा के साथ गठबंधन में थे। ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि भले ही जाट प्रभाव रखते हों, लेकिन अन्य समुदाय भी चुपके से चुनाव प्रभावित करते हैं।